तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब डंकी डे 18 पर एंट्री मार चुकी है, तो क्या सैटरडे संडे जिसके लिए इंतजार था, जो एसआरके के फैंस थे, जो एसआरकियंस थे, जो वेट कर रहे थे कि भाई सैटरडे संडे जब आएगा तब हम आपको बताएंगे कि डंकी क्या हाल करने वाली, तो क्या यहाँ पर बूस्टर देखने को मिला है? मिला है भाई, उतना ज़्यादा नहीं मिला है, मतलब वही बात कि अगर ना भी मिलता तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत थोड़ा सा 19-20 का फर्क देखने को मिला है, लेकिन ठीक है, सैटरडे पे अच्छा खासा बूस्ट करते ये मूवी नज़र आ रही है। देन उसके बाद आज संडे है, संडे में भी अच्छा खासा थोड़ा सा कलेक्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। तो भाई लेकिन एक बात है कि डंकी को जिस हिसाब का कलेक्शन चाहिए था, क्योंकि बावजूद क्लैश चल रहे हैं, अगर क्लैश के बावजूद भी इतना कलेक्शन इसके खाते में आ जाता है तो ये भाई मैं कहूँगा डंकी के लिए ब्लॉकबस्टर सक्सेस है और अच्छी खासी सक्सेस है। और जिस हिसाब का इसका बजट है उसके हिसाब से थर्ड टाइम ये मूवी कमाई कर चुकी है। कल की बात करते हैं भाई डे 17 पर क्या इसने कमाई करी है, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अभी हम पूरा भाई ऑपरेशन करने वाले हैं। कल डे 17 में कैसा किया है, अभी तक कितनी कमाई कर चुके हैं नेट इंडिया से, ओवरसीज से, वर्ल्ड वाइड से, शुरू करते हैं। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी कल थी डे 17 की इस मूवी की, सैटरडे की, थर्ड सैटरडे की 16% के आसपास, जो बिल्कुल भी सेटिस्फाई करने वाली ऑक्यूपेंसी नहीं है। क्योंकि भाई साहब अगर मैं जवान से कंपेयर करूं या पठान से कंपेयर करूं शाहरुख खान की डंकी को, तो भाई 17वें या 18वें दिन में ये ऑक्यूपेंसी 40 से 45 से 50% के आसपास चल रही थी थिएटर हाउस में, और अभी भी इस टाइम पर, जवान के टाइम पर, अभी भी 17वें या 18वें दिन में कई जगह हाउसफुल शो चल रहे थे, उस लेवल की उन्होंने स्टारडम या हाइप वहां से खींची थी, लेकिन डंकी में नहीं देखने को मिल रही है वही चीज़ की भाई क्लैश का बहुत ज़्यादा खामियाजा इस मूवी को भी भुगतना पड़ रहा है। तो कल नेट इंडिया से अर्ली एस्टिमेट है एंड ऑफ द डे तक आते नजर आ रहे 3.5 करोड़ एंड ग्रॉस इंडियन कलेक्शन 4.5 करोड़, ओवरसीज से मूवी का एंड ऑफ द डे तक 2 करोड़ कमाती नजर आ रही है, और पूरी दुनिया से 6.5 करोड़ के क्लब में ये मूवी एंट्री मार रही है कल एंड ऑफ द डे तक। तो पहले 17 दिन में ये टोटल कमाई नेट इंडिया से कितनी कर चुकी है, 212 करोड़ 22 लाख के आसपास, एंड ग्रॉस इंडियन कलेक्शन ये मूवी का एंड ऑफ द डे तक कितना कर चुकी है, टोटल 258 करोड़। पूरी दुनिया से ये मूवी पहले 17 दिन में कल एंड ऑफ द डे तक पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड क्रॉस कलेक्शन कर चुकी है 434 करोड़ का मार्वलस आंकड़ा। कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं किसी के बाप का कर्जा नहीं खा रखा है, ह्यूज एंड मार्वलस आंकड़ा। बेडंकी के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा कलेक्शन कर रखा है, तो कोई दो राय नहीं है इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बोलने में। बात करें आज संडे यानी आज डे 18 है, तो भाई आज की कैसी ग्रोथ है, आज भी थोड़ा सा मामला रेज देखने को मिला, 1% ज़्यादा है कल की ऑक्यूपेंसी से, आज ओवरऑल 17% की ऑक्यूपेंसी है, जो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून एंड इवनिंग के टाइम पर थोड़ा अच्छा हमें ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है, बट नाइट में डाउन जाती नजर आ रही है। तो नेट इंडिया से आज अर्ली एस्टिमेट है, आज एंड ऑफ द डे तक ये मूवी कमाती नजर आ रही है 3 करोड़ के आसपास, और पूरी दुनिया से 5.5 करोड़ के आसपास, क्योंकि ओवरसीज से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओवरसीज में और भी मूवीज अब रिलीज हो चुकी है, और एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम तो चली रही थी भाई डोमेस्टिक लेवल पे, इंडियन सिनेमा में भाई सालार तो चल ही रही है, लेकिन बाद में उसके भाई जनवरी में अभी बहुत सी मूवी आने वाली हैं, और कोई ऑर्डिनरी नहीं, बड़ी बड़ी फाड़ फाड़ मूवी आने वाली है। तो पहले 18 दिन में आज, मतलब आज ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना कर लेगी एंड ऑफ द डे तक, 439 करोड़ के आसपास ये मूवी कवर करते नजर आ रही है अपने खाते में। तो मुद्दे की बात ये है कि भाई साहब लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर सकती है, क्या 500 करोड़ ये मूवी टच कर जाएगी, मे बी हो सकता है ये मूवी टच कर जाए, क्योंकि जब तक फाइटर रिलीज नहीं होगी इसकी ग्रोथ को कोई टच से मस नहीं कर पाएगा, मतलब जिस हिसाब की इसकी स्टेडीली ग्रोथ चल रही है, कॉन्स्टेंटली जिस हिसाब से एवरेज ग्रोथ कर रही है, ये ग्रोथ वो रहने वाली है 25 जनवरी तक जब फाइटर मूवी आ जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये मूवी क्या 500 करोड़ टच कर जाएगी या उससे भी ऊपर जाएगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी अगर मूवी नहीं देखी तो जाके जरूर देखो यार, मूवी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है बिल्कुल। राजकुमार हिरानी जैसे, जिस नाम से जाने जाते हैं, जिस काम के लिए जाने जाते हैं, वो काम उन्होंने दिखाया है और बहुत प्यार से दिखाया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।